हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वीटस पोस्टर में। मैं हूँ रोहित यादव। आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को हम लोगों ने जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड कर लिया है ताकि आसानी से याद किया जा सके। लगभग ये आपके पास 30 से 35 जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अगर पेपर में इनमें से कोई भी अमेंडमेंट अगर आ जाता है तो उसे हम लोग कर पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि पेपर में जो अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं वो तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या किया गया था, या आपसे स्टेटमेंट में दे सकता है कि ये अमेंडमेंट जो हुआ था किस अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ था। दूसरा, आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ दिए जाएंगे, उसमें से कहा जाएगा कि इस अमेंडमेंट में ये हुआ था, इस अमेंडमेंट में ये हुआ था, इस अमेंडमेंट में ये हुआ था, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, तो आपको बताना होता है। इसीलिए हम लोगों ने इसे कैटेगराइज कर लिया है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कौन से हैं, कौन से आपके एजुकेशनल से रिलेटेड हैं, कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया है। कैटेगराइज में आप लोग आसानी से इनको याद कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो अमेंडमेंट्स देखेंगे वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से जो अमेंडमेंट्स थे उनको लागू किया गया था। तो जो लैंड से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला आता है वो है आपका 1st अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट और 9th अमेंडमेंट। ये 3 अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं ये आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। जो पहला अमेंडमेंट है वो 1951 में आया था, जो चौथा है वो 1955 में आया था, और जो 9th है वो 1960 में आया था। जो पहला अमेंडमेंट कहता है उसमें कहता है कि इसमें 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल क्या था कि उसमें कोई भी लॉ अगर जाता था वो उसमें जो जुडिशियल रिव्यू है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स थे उस समय हमारे पास जो लैंड थी वो फंडामेंटल राइट्स थी। फंडामेंटल राइट्स कब हटा वो लोग हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो जब हमारे पास लैंड फंडामेंटल राइट्स थी तो जो केसेस थे वो कोर्ट में जा रहे थे। तो कोर्ट केस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1st अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया, जिसमें उन्होंने सारे लैंड रिफॉर्म्स को रखा जो कि जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर कर दिया। यानी कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में जाएगा वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। 1955 जो 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, इसमें कहा गया कि अगर आपसे लैंड ली जा रही है तो आपको जो कंपनसेशन है वो भी आपको दिया जाएगा। 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, इसमें ये हमारा जो स्टेट से रिलेटेड तो नहीं, मतलब जो लैंड रिफॉर्म है उससे रिलेटेड तो नहीं है, बल्कि ये हमारे पास कुछ लैंड थी जिसको हम लोग बरीवारी यूनियन जानते हैं। तो यही होता है, इसी में कहा गया था। बरीवारी यूनियन केस आप पढ़ेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, और या सिटीजनशिप, उसमें हम लोग बरीवारी यूनियन केस पढ़ेंगे, वहाँ पर हम आपको पूरा केस समझाएंगे। इस केस में था क्या कि वेस्ट बंगाल और पाकिस्तान, जब पहले जो बांग्लादेश है ना वो पहले पाकिस्तान ही था, ठीक है। उस समय वहाँ पर कुछ इनक्लेव्स रह गए थे जिन पर दावा इंडिया भी कर रहा था और पाकिस्तान भी कर रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में कुछ ट्रीटी हुई थी कि हम जो इनक्लेव्स हैं कुछ इनक्लेव्स आपको दे देंगे और कुछ इनक्लेव्स जो होंगे वो आप हमें दे देंगे, तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो बॉर्डर डिस्प्यूट वो ख़त्म हो जाएगा। इसी को बरीवारी यूनियन केस के अंतर्गत लाया गया था, क्योंकि जो लैंड है ना, अपनी देश की लैंड किसी दूसरे देश को देना, इसको बिना अमेंडमेंट के नहीं दिया जा सकता था, ये गवर्नमेंट कोर्ट ने इस समय कहा था। अब हम लोग जो अमेंडमेंट्स हैं जो स्टेट या यूनियन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने क्या किया, जो हमारे पास पहले जो कैटेगरी थी, आज जो हम लोग 29 स्टेट्स पढ़ते हैं और 28 स्टेट्स, वो पहले नहीं थे, ठीक है।
पहले क्या था कि उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में इस तरीके से डिवाइड किया गया था। तो उनको क्या कर दिया गया, बाद में अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत, और उनको 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। दूसरा इसमें क्या किया गया कि हाई कोर्ट्स का जो ज्यूरिडिक्शन था वो यूनियन टेरिटरी में भी एक्सटेंड कर दिया गया। दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाई जा सकती है, इसी एक्ट के अंतर्गत कहा गया। प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, यह भी इसी अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। इसके बाद आता है 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के अंतर्गत हम लोगों ने जो दादरा और नगर हवेली को था उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। पहले यह इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था, यह अंग्रेज़ों के अधीन था। 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के अंतर्गत हम लोगों ने गोवा, दमन एंड दीव को भारत गणराज्य का अपना पार्ट बना लिया। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 गेव द स्टेटस ऑफ ए स्टेट टू नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर इट। पहले जो नागालैंड था वो स्टेट नहीं था, जो स्टेटस इसे स्टेट का मिला वो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा मिला। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के अंतर्गत हम लोगों ने पौंडीचेरी को, जिसे अब लोग हम लोग पुद्दीचेरी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोगों ने क्या किया, इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। ट्वेंटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 के अंतर्गत हम लोगों ने एक ऑटोनोमस स्टेट की फॉर्मेशन की असम के अंतर्गत, जिसका नाम है मेघालय। आपने देखा होगा, मैप देख रहे होंगे तो आपको असम के अंदर ही यहाँ पर मेघालय मिलेगा। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंतर्गत हम लोगों ने जो सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेटस मिला हुआ था उसको हम लोगों ने हटा दिया और उसको हम लोगों ने एसोसिएट स्टेट बना लिया। एसोसिएट स्टेट क्या था ये हमको नहीं पता है, क्योंकि इसका कोई भी डिटेल किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो एसोसिएट स्टेट का मतलब हो गया कि वहाँ पर इंडियन लॉ तो वर्क करेगा लेकिन वो पूरा पूरा हमारा पार्ट नहीं होगा। लेकिन जब वहाँ पे ज़्यादा विरोध होने लगा तो हम लोगों ने 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 किया और फिर सिक्किम को पूरा पूरा स्टेट का मतलब कि दर्जा दिया और उसे यूनियन का पार्ट बना लिया। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसके अंतर्गत हम लोगों ने, ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंतर्गत यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली घोषित करके। 70th अमेंडमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज देखते हैं। जो लैंग्वेज से रिलेटेड एक्ट हैं उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको इस तरीके से याद रखना है, 21, 71 = 92। ये आपके तीन हो जाएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट। तो सबसे पहले 21 में क्या है कि इसके अंतर्गत आपका जो सिंधी था उसको इंक्लूड किया गया एज ए 15th लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में ही सारी हमारी भाषाएं होती हैं। 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987, ये भी बाद में हम लोग देखते हैं। 71 के अंतर्गत हम लोगों ने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज को अपने जो 8th शेड्यूल था उसमें जोड़ा। इसको याद रखने का जो तरीका है आप याद रख सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद आपका आता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट है 2003, इसके अंतर्गत जो लैंग्वेज जोड़ी गई वो जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, महेंद्र सिंह धोनी का
बल्ला, तो आपका हो जाएगा मैथिली, एस से हो जाएगा संताली, डी से हो जाएगा डोंगरी, बी से हो जाएगा बोडो, आपका के जो हो जाएगा वो साइलेंट हो जाएगा। तो जब इतनी भाषाओं को ऐड कर लिया गया तो जो भाषाएं थी हमारी बढ़कर 22 हो गई। जो 96 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो उड़िया था उसको, उड़िया था पहले, उसको अब हम लोग उड़िया कहते हैं, ठीक है। प्रोनंसिएशन बदल दिया, पहले उड़िया कहा जाता था, अब उड़िया कहा जाएगा, उड़ीसा की लैंग्वेज है उड़िया। 58th अमेंडमेंट एक्ट 19, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें कहा गया है कि प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, पहले जो हमारे पास टेक्स्ट था जो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में ही उसको मान्यता प्राप्त थी, लेकिन 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा जो हमारा हिंदी वर्जन था उसको भी कानूनी मान्यता दी गई। यानी कि अब आप चाहें इंग्लिश हो उससे भी कोड कर सकते हैं, और जो आपका हिंदी वर्जन है उससे भी आप कोर्ट में केसेस हैं वो लड़ सकते हैं। पंचायत रिलेटेड जो हमारे पास हैं वो तीन हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 192, इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, इसमें जो हमारे पास अर्बन बॉडीज़ हैं यानी कि जिनको हम लोग म्यूनिसपैलिटीज़ बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि जो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको स्टेटस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल। आपने हम लोग जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखेंगे, और अलग से भी इसका जो आर्टिकल है उनको भी हम लोग देखेंगे। अब ST OBC कमीशन से रिलेटेड जो हमारे पास अमेंडमेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, इसके अंतर्गत एक मल्टी मेंबर जो नेशनल कमीशन था SC और ST के लिए उसको अपॉइंट किया गया। पहले एक स्पेशल ऑफिसर होता था जो सारे के सारे जो SC ST से रिलेटेड वर्क्स थे उनको देखता था। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दो सेपरेट बॉडीज़ में तोड़ दिया गया। पहले एक ही थी, एक ही बॉडी थी, अब वो अलग अलग बॉडीज़ उनको बना दिया गया। SC से रिलेटेड जो कमीशन है उसको आर्टिकल 338 में रखा गया, और ST से रिलेटेड जो कमीशन है उसको आर्टिकल 338A में रखा गया। दोनों में ही एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और तीन अदर मेंबर्स होंगे, और सभी के सभी जो मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट किया गया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसको 2018 में लागू किया गया था उसके अंतर्गत अलग से OBC कमीशन्स बनाया गया। पहले OBC कमीशन अलग नहीं था, जो SC ST था कमीशन वही OBC कमीशन OBC से रिलेटेड जितने भी वर्क्स थे उनको देखता था। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें हम जो EWS कोटा है उसको बढ़ाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कोटा। इसके अंतर्गत 10% जो एजुकेशनल सीट्स हैं वो वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व की जाएंगी। कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हैं उनको देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला जो अमेंडमेंट आता है 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961 आता है, इसके अंतर्गत जो इलेक्शन प्रोसीजर था वाइस प्रेसिडेंट का उसको चेंज कर दिया गया। अब जो इलेक्शन होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत होगा। जो इलेक्शन है वो हम लोग जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब करेंगे। इसमें ये भी कहा गया जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द अप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि कोई अगर मेंबर्स नहीं आता है, वोटिंग नहीं करता है, तो यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो मेंबर प्रेजेंट नहीं था
तो ये जो वोटिंग हुई है वो वैलिड नहीं है। इसके बाद आता है हम लोगों के पास 19 अमेंडमेंट एक्ट 1966। इसके अंतर्गत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट है उसको पावर दिया गया कि वो कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड कर सकती है। ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंतर्गत जो हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसमें जो भी हमें अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों को अब कम कर दिया गया। अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब आगे हम लोग 44th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे उसमें यह जो राइट है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, इसमें लोकसभा की जो सीट्स थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, इसके अंतर्गत जो एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया और एक नया आर्टिकल 21A ऐड किया गया। जो आर्टिकल 45 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसको भी ऐड किया गया, और जो 51A था उसका जो डाटा था उसको चेंज कर दिया गया। सॉरी, जो 45 है इसका डाटा चेंज किया गया है और जो नया आर्टिकल है 51A उसको जोड़ा गया है। अगर हम लोग 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखें तो यह जीएसटी जो लागू हुआ था वो इसी अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लागू हुआ था और इसका बिल नंबर भी पूछा जाता है, तो बिल नंबर ये है 122। अब हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो चेंजेस थे वो किए गए थे और इसका जो लागू किया गया था इसको वो स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत जो रिकमेंडेशंस थी उनको लागू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था, इसके अंतर्गत 3 वर्ड्स को प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। कौन कौन से वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया और एक नया पार्ट हमारे पास आ गया, पार्ट 4A। प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस के लिए बाउंड कर दिया गया, पहले वो बाउंड नहीं था। मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे उनको जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया। रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर, जो लोकसभा का कार्यकाल था उसको 5 से 6 साल कर दिया गया। नेशनल इमरजेंसी को अब किसी भी पार्ट में लगाया जा सकता है, पहले अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो पूरे देश के अंतर्गत लगाना पड़ता था। ऑल इंडिया जुडिशियल जो सर्विस है उसको लॉन्च किया गया। अब इसके अंतर्गत जो ये हुआ था, इसी के अंतर्गत जो हमारे पास 42nd था इसी के अंतर्गत जो इमरजेंसी थी वो भी वर्क की थी, तो कुछ समय जो इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे अपनी जो पावर थी उसको बचाने के लिए, तो उस समय अपनी पावर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो एक्ट थे उनको भी गलत तरीके से चेंज कर दिया था। तो जब उनकी गवर्नमेंट गई और नई गवर्नमेंट आई जनता दल, तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो कि इनअप्रोप्रिएट थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, उनको वापस चेंज कर दिया। तो क्या किया चेंज,
जो पहले 5 से 6 ईयर लोकसभा का कार्यकाल कर दिया था उसको वापस 5 साल कर दिया। डिलीटेड द प्रोविजन विच मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर एंड फाइनल इश्यूइंग ऑर्डिनेंसेस। जो पहले सेटिस्फेक्शन था प्रेसिडेंट कि कोई भी अगर लॉ पास होगा तो केवल और केवल जो प्रेसिडेंट है उसकी सेटिस्फेक्शन ही लेना पड़ेगा, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उसे कैबिनेट से बाउंड कर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर कोई भी चीज़ करना है तो कैबिनेट की मंजूरी लेना, रिटर्न मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ये पॉइंट आगे है। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको हटा दिया, क्योंकि इसी का जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने मिसयूज किया था, तो अब उसको क्या कर दिया गया, आम रिवेलियन कर दिया गया। यानी कि आप इमरजेंसी तब तक नहीं लगा सकते जब तक आम रिवेलियन ना हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए आप जो इमरजेंसी है उसको नहीं लगा सकते। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट लीगल राइट। तो 44th जो अमेंडमेंट एक्ट है 1978, उसके द्वारा ही जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। इसमें यह भी कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 को बिल्कुल सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी के समय भी, क्योंकि ये हमारे जो आर्टिकल हैं ये जीने की जो गारंटी है वो देते हैं, तो जीने की गारंटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते इवन इन इमरजेंसी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जाना जाता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी का मेंबर अगर उसे एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है तो उसे 2/3 जो उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए होगा, तभी वो दूसरी पार्टी में जा सकेंगे। अदरवाइज उनकी जो मेंबरशिप होगी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उनको हम लोगों ने कर लिया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।